नंबर टू गाइस, रूल नंबर टू किससे रिलेटेड है? ईच, एवरी, नाइदर एंड आइदर से, ठीक है? इन वर्ड्स के साथ हमेशा जो वर्ब लगती है सिंगुलर पति है, लगती है सॉरी, तो इसमें आप सबसे पहले देखोगे यूज नाइदर और आइदर का, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं. ओके, तो देखो आइदर का मीनिंग क्या होता है, यही देख लो. आइदर का क्या मीनिंग होता है? दोनों में से एक, यानी कि सिलेक्शन. यहाँ पे आइदर के साथ आप सिलेक्शन करोगे दो चीजों में से एक का. नाइदर, नाइदर का क्या मीनिंग है? दोनों में से कोई नहीं, यानी कि नो सिलेक्शन. नाइदर में हम कोई सिलेक्शन नहीं करते. अभी इसका ये रूल लिख लो, नाइदर आइदर से रिलेटेड. ईदर और नीदर से रिलेटेड, लोग इसको आइदर नाइदर बोलते हैं, ईदर और नीदर भी बोलते हैं. प्रोनाउंसिएशन का फर्क होता है अकॉर्डिंग टू द लोकेशन. तो चाहे आप ईदर बोलो चाहे आइदर बोलो, बोथ आर करेक्ट. जब ईदर और नीदर के साथ आपका ऑफ लग जाए तो इसके आने वाला नाउन क्या होता है? प्लूरल. लेकिन वर्ड क्या लेता है ऑलवेज? अपने साथ सिंगुलर, ठीक है? एग्जाम्पल देखो, नेदर ऑफ टू, नेदर ऑफ टू बॉयज केम टू स्कूल टूडे. Either of the two boys is going to cinema. ठीक है, first का क्या मीनिंग है? कि जो स्कूल है दोनों लड़कों में से कोई भी नहीं आया. और ये नीचे वाले का क्या मीनिंग है? दो लड़कों में से कोई एक लड़का है जो सिनेमा जा रहा है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे नीदर इधर के साथ आपका ऑफ लगा हुआ है, यानी कि जो आने वाला नेक्स्ट नाउन है वो प्लूरल होना चाहिए, ठीक है? यहाँ देखो टू लग गया, टू बॉयज, यानी कि ऑलरेडी प्लूरल है, ठीक है? अब वर्ब क्या चाहिए? सिंगुलर. केम, ये कौन सी वर्ब है? ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कम, केम, कम, राइट? अब इसको तो हम सिंगुलर प्लूरल नहीं कर सकते, यानी कि एज इट इज रहेगा केम. लेकिन हाँ, अगर इसकी जगह होता कम, सी ओ एम ई, तो ये क्या होता? वर्ब का प्लूरल फॉर्म होता, और इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम इसको करते कम्स. अब ये राइट होता, ठीक है? चलिए मैं इसे ठीक कर देती हूँ. केम सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, विच इज आल्सो राइट, उसे सिंगुलर प्लूरल करने की जरूरत नहीं है. ईदर ऑफ द टू बॉयज इज गोइंग टू सिनेमा. अब देखो ऑफ लग गया, हमारा जो नाउन है क्या? टू बॉयज, प्लूरल है, लेकिन वर्ड क्या लगी हुई है? सिंगुलर. दिस इज राइट. अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे कर दू आर, तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, यानी कि ये एरर का पार्ट हो गया. इसलिए आपको इसे सही करना होगा, इज, समझे? चलो ये था इधर और नीदर का ऑफ वाला यूज. अब इसका हम एक और यूज सीखते हैं, इधर के साथ और नाइदर के साथ नॉर. Either plus subject plus or plus subject then verb. Neither plus subject plus nor plus subject plus verb. अब देखो यहाँ जो verb लगती है वो singular plural नहीं लगती है. यहाँ पे जो verb लगानी होती है हमें according to second subject. Second subject अगर हमारा singular होगा तो verb singular लगेगी. सेकेंड सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल होगा तो वर्ड प्लूरल लगेगी, ठीक है? इसके एग्जांपल देख लेते हैं. यहाँ पे लिख लेना, वर्ब अप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू सेकेंड सब्जेक्ट. कब? जब भी इधर के साथ और नीदर के साथ नॉर लग जाए. एग्जांपल्स देखते हैं. चलिए
लिए मैंने एग्जांपल्स लिख दिए ऑलरेडी बोर्ड पे, कम टू द आंसर्स डायरेक्टली. नाइदर यू नॉर आई वर सिलेक्टेड, ना तो तुम सिलेक्ट हुए और ना ही मैं. ठीक है, अब देखो हमारा यहाँ दो सब्जेक्ट है, सॉरी नाइदर एरा सब्जेक्ट एरा नॉर एरा सब्जेक्ट एरा वर्ब एरी. ठीक है, अब देखो ये है फर्स्ट सब्जेक्ट, इससे कोई छेड़खानी नहीं करनी और ना ही इससे रिलेटेड हमें वर्ब लगानी है. ये है हमारा सेकंड सब्जेक्ट आई. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, आई के अकॉर्डिंग वॉज, आई वॉज सिलेक्टेड. ठीक है, अब ये मत कहना आई तो प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब ही आएगा. इसका एक अलग फंडा होता है, आई के साथ वॉज भी आता है, आई के साथ वर्ब भी आता है. वो कब आता है वो मैं उसके लिए मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगी. ठीक है, अभी के लिए आप ये इतना ही ध्यान दो. Either she or he are mistaken. या तो she ने मिस्टेक की है या फिर he ने मिस्टेक की है. ओके, अब ये है फर्स्ट सब्जेक्ट, ये है सेकंड, ये है फर्स्ट सब्जेक्ट, ये है सेकंड सब्जेक्ट. He के साथ कभी आ रहेगा? नहीं, तो इसको आप कर दो is. He is mistaken. Either you or I are going on shopping today. या तो तुम आज शॉपिंग पर जा रहे हो या मैं. अब देखो सेकंड सब्जेक्ट क्या है, I. I के साथ कभी आर तो आएगा ही नहीं. Am, I am. Either Hina or nor Meena. Either Hina nor Meena. तो Meena is singular, singular verb लगा दो is. These are your errors related to either or neither. I hope आपको ये either or neither का concept clear हुआ होगा. If do you have any query, so do comment. एक टाइप का और एरर आता है एग्जाम में, इधर के साथ क्या होता है और आ जाता है, और इधर के साथ एग्जामिनर नॉर लगा देता है. तो ये तो ऑलरेडी एक एरर है, हमेशा इधर का यूज और के साथ और नियर का यूज नॉर के साथ होता है. ठीक है, अगर इस टाइप से है तो भी समझ जाना वहां पे एरर है, इसको करेक्ट कर दो. इधर के साथ क्या आ जाएगा, नॉर, और इधर के साथ और. ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट रूल एंड दैट इज लास्ट रूल. सो गाइज कम टू लास्ट रूल ऑफ दिस टॉपिक. Related to each and every. Each or every plus noun plus each every plus noun is equal to. जो भी noun यानी कि noun क्या है, subject है, singular होगा as for singular. ठीक है, और वर्ब कौन सी यूज होगी, सिंगुलर. ठीक है, ऐसे मैंने एग्जांपल के लिए लिखा ईच बॉय एंड ईच गर्ल. ईच का मीनिंग क्या है, हर एक. ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज गोइंग देयर. अब देखो यहां पे क्या है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज गोइंग देयर. बॉय सिंगुलर, गर्ल सिंगुलर, वर्ब लगेगी सिंगुलर. ठीक है, अगर यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आर कर दूं, इट मीन्स ये एरर हो गया. तो यहाँ पे आर नहीं आएगा आपका, इज ही आएगा. ठीक है, अगर आपके एग्जाम में आता है ईच बॉयज एंड ईच गर्ल, यानी यहाँ पे बॉयज हो जाए और यहाँ पे एस हो जाए, वो भी क्या है, एरर का पार्ट है. तो आपको दोनों सब्जेक्ट यानी कि दोनों नाउन क्या है, सिंगुलर ही रखने हैं. Come to next. Each or every plus noun plus and plus noun is equal to verb singular. ठीक है, singular singular. अब यहां देखो यहां पे क्या थोड़ा सा ही difference है. यहाँ पे each noun यानी कि each boy each girl, यहाँ पे and लगा लेना बीच में. अब यहाँ देखो यहाँ पे है each noun and noun, यानी कि यहाँ से आपका ये second वाला each हट गया है. okay, each boy and girl is going there. each boy and girl is going there. singular singular verb singular.
अगर यहाँ पे मैं वर्ब आर कर दूंगी तो एरर हो जाएगा। अब ये मत समझना कि यहाँ पे ईच बॉय एंड ईच गर्ल है तो ही ये फॉर्मूला राइट लगेगा। अगर इस तरह से भी दिया है ईच बॉय एंड गर्ल वो भी सही है, ठीक है। इसके ये दो फंडे होते हैं एंड दे बोथ आर करेक्ट। डबल वाला ईच वहां भी वर्ब सिंगुलर, सिंगल वाला ईच यहाँ भी वर्ब सिंगुलर। ओके चलिए अब ईच से रिलेटेड एक छोटा सा एक्सेप्शन और आप पढ़ लो। जैसे यहाँ पे है वी ईच और यहाँ पे है ईच ऑफ अस। मैंने क्या कहा था, जहां भी कहीं ऑफ लग जाए उसके बाद वाला नाउन प्लूरल होता है और वर्ब सिंगुलर होती है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट है। यहाँ पे ऑफ तो लगा हुआ है लेकिन इसके साथ जो वर्ब यूज होगी वो क्या यूज होगी, सिंगुलर, ठीक है। और इसके साथ वर्ब यूज होगी प्लूरल। एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैंने लिख दिए बोर्ड पे और देखो वी ईच, हमें वर्ब क्या लगानी है वहां, प्लूरल, यानी कि दिस इज राइट। अगर मैं यहाँ पे कर दू इज वी ईच इज गुड फ्रेंड तो दिस इज रॉन्ग। ईच ऑफ अस, ठीक है, ईच ऑफ अस। अब यहाँ पे वर्ब कौन सी लगेगी इसके अकॉर्डिंग, सिंगुलर। अब यहाँ देखो यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं लेकिन उसका एक पोजेशन केस है विच इज हिज बेस्ट, ये क्या है, सिंगुलर है। ओके तो इन शॉर्ट मैं अब बता देती हूं, इन शॉर्ट ये जितने भी वर्ड्स होते हैं, नन, एनी, वन, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, सबके साथ हमारी वर्ब यूज होती है सिंगुलर, ठीक है, इन शॉर्ट। लेकिन इन सबके साथ अगर आपका ऑफ लग जाए कहीं पे भी तो उसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल हो जाता है, लेकिन वर्ब तब भी आपकी सिंगुलर ही रहती है। ओके सो आर दिस टॉपिक इज क्लोज टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अब मैं सोच रही हूँ इसका एक जो एक नेक्स्ट पार्ट बना देती हूँ जिसमें ओनली उस स्पॉटिंग एरर्स होंगे टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, वो आपके प्रैक्टिस सेट के लिए होंगे। उसमें आप अपने एरर्स फाइंड करना और आंसर्स जो है कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। यहाँ पे आपका टॉपिक खत्म हो गया है, अब इसके नेक्स्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट में आपको इसका प्रैक्टिस सेट मिलेगा। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। गाइस अगर आप पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा एंटरटेन भी होना चाहते हैं तो इस चैनल पे जरूर पहुंच